छात्रों, आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट टू फोर्थ पेपर के फोर्थ यूनिट के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज मेरा टॉपिक है विश्व में मत्स्य उद्योग। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मत्स्य एक खाद्य के लिए एक सबसे उच्च कोटि का प्रोटीन का काम करता है। मछली जो है भोजन का एक बहुत बड़ा एक भोजन में एक बहुत बड़ा प्रोटीन का एक साधन है। इसीलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को जो कि मत्स्य उद्योग, इसके अलावा वन संसाधन डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इत्यादि टॉपिकों का इसमें चौथे यूनिट में अध्ययन करना है, जिसके तहत आज हम मत्स्य उद्योग के बारे में जानेंगे। पूरे विश्व में मत्स्य उद्योगों की क्या स्थिति है, मत्स्य के उत्पादक देश, उसमें आने वाली समस्याएं और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते होंगे, विश्व में मछलियों की कोई 30,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। अनुकूलन के क्षमता के कारण ये विषुवतीय प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक एवं नदियों तथा हिमालयों तक से निकलने वाले ठंडे पानी तक में रह सकती हैं। तटवर्ती प्रदेशों में यह महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें प्राचीन उपायों से लेकर नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता रहा है। प्रतिध्वनिक गंभीरता यंत्र, जिसे कि सोनार बोला जाता है, का उपयोग जल के नीचे मछलियों के स्रोतों को का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। ड्रिफ्टर की सहायता से सागर की अपेक्षाकृत गहरे एवं ट्रॉबलर की सहायता से गंभीर सागरीय भाग से भी मछलियों का अवदोहन किया जा रहा है। छात्रों, जैसे कि आप जानते होंगे, संसार में पकड़ी जाने वाली मछलियों में अधिकांशतः भाग हेडिंग, एकड़ी, सॉर्डिन, कॉड, पिलचार्ड, टूना, मैकरेल, हेक और हेकॉर्ड मछलियों की होती है। जल की प्रकृति के आधार पर मछलियां दो प्रकार की होती हैं। ताजे जल की मछलियां, जिनका स्रोत नदी, तालाब, झील इत्यादि हैं, तथा खारे जल की मछलियां, जिनका स्रोत समुद्र तथा नमकीन झील है। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कुछ विशेष है, जैसे छिछले समुद्र, प्लैंकटन की पौधों की प्रचुरता, ठंडी एवं गल जलधाराओं का संगम, प्रशीतन की व्यवस्था तथा द्रुतगामी यातायात की सुविधा। छात्रों, अगर इसके बारे में विस्तार से देखा जाए तो गहरे समुद्री भागों के अपेक्षा छिछले समुद्री भागों में मछलियों का आवास और उनका निवास तेजी से बढ़ता है। उन प्रजनन छिछले समुद्री भागों में मछलियों का तेजी से होता है। प्लैंकटन एक विशेष प्रकार का पौधा है, जिसका उपयोग मछलियाँ अपने भोजन के रूप में करती है। इसलिए प्लैंकटन की अधिकता जहाँ होती है, वहाँ मछलियों का प्रचुर भंडार होता है। इसके अलावा ठंडे और गर्म जल धाराओं जहाँ मिलती है, तो एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक वातावरण बनता है, जो कि मछलियों के अनुकूलन के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। साथ ही प्रशीतन की व्यवस्था एवं द्रुतगामी यातायात, क्योंकि मछलियाँ जल्दी खराब होने लगती है, अतः उन क्षेत्रों में जहाँ की परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था होती है, पर्याप्त के अलावा तीव्रगामी परिवहन की व्यवस्था होती है, वहाँ मछलियों का उत्पादन, भंडारण एवं निर्यात काफ़ी तेजी से होता है। इस प्रकार देखा जाए तो विश्व में मछली उत्पादन के 5 पेटियाँ जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यह विश्व का मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्तर में बोरिंग सागर से दक्षिण में फिलीपींस सागर तक फैला हुआ है। इसके महाद्वीपीय निगमन तट पर गर्म क्यूरोसियो धारा एवं ठंडी ओयासियो धारा का मिलन होता है। इस क्षेत्र में चीन, जापान, ताइवान, कोरिया तथा रूस के मछुआरे मछली पकड़ा करते हैं। दूसरा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कैलिफोर्निया तथा अलास्का तक फैले इस क्षेत्र का मत्स्य क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के द्वारा उपयोग किया जाता है। अटलांटिक महासागर जो तीसरा बड़ा क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार न्यू इंग्लैंड और न्यू फाइनलैंड के उत्तर में लेबराडोर तक है।
इसमें कई छोटे बड़े मछली के बैंक है, जैसे ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, बैंक कुक रूम बैंक, सेविल द्वीप बैंक, बाउंड्रंस बैंक। ग्रांड बैंक इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तर की ओर से आने वाली लेब्राडोर की धारा मिलती है। नोवासोकिया जॉर्जिया बैंक तथा न्यूफाउंडलैंड ग्रैंड बैंक के निगमन तट में अधिकांशतः मत्स्यन कार्य किया जाता है। अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो विश्व में चौथा मत्स्य उत्पादन का केंद्र है, विस्तृत महाद्वीपीय निगमन तट, लंबी तटरेखा एवं तटीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी आदि के कारण पश्चिमी यूरोप में मत्स्यन का विकास हुआ है। भूमध्य सागरीय एवं बिस्के की खाड़ी से लेकर उत्तर में बाल्टिक सागर, श्वेत सागर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों का विस्तार है। उत्तर सागर का यह क्षेत्र डॉगर बैंक मत्स्य क्षेत्र हेतु विश्व विख्यात है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण समुद्र सालों भर खुला रहता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं इस क्षेत्र से। दक्षिणी प्रशांत का पेरू तट, दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग का एकमात्र क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। यह उष्ण क्षेत्र में स्थित है। पेरू तथा चिली इसके प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पेरू या जिसे हम्बोल्ट ठंडी जलधारा कहते हैं, जल के नीचे मिलता है, जिसमें मछलियों के लिए भरपूर आहार होता है। विश्व के अन्य मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का तटीय क्षेत्र, हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में चीन, अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देशों में चीन, जापान, रूस, पेरू, चिली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसका विस्तार विश्व के हर क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो मत्स्य उद्योग है उसकी कुछ समस्याएं एवं चुनौतियां भी हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या या उसे चुनौती कहे परिवहन जलपोतों से कठिनाई। जिन समुद्रों में मछलियों की बहुतता है उन्हीं समुद्रों में अधिकांशतः व्यापारिक जलपोत चला करते हैं। उदाहरण स्वरूप न्यूयॉर्क तथा पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों के बीच समुद्री मार्ग जॉर्ज बैंक तथा ग्रैंड बैंक के नज़दीक से गुजरता है। इन्हीं भागों में मछलियां भी अधिक मिलती हैं। इन भागों में कोहरा भी अधिक छाया रहता है, अतः मछली मारने वाले पोतों एवं व्यापारिक पोतों में टकराव होने का भय बना रहता है। अति उत्पादन भी एक मत्स्य उद्योग की समस्या है। समुद्र में मछलियों की संख्या अनंत नहीं है। अधिकांश मछलियां पकड़ने से कुछ जाति की मछलियां अब समाप्त प्राय हो रही है। हेलीबर्ट, सालमन आदि मछलियों की संख्या काफ़ी घट गई है। इसीलिए हेलीबर्ट का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच समझौते द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है। इसके अलावा दूषित जल, मछलियों के उत्पादन में कमी केवल अति उत्पादन से ही नहीं बल्कि नदियों के मुहाने पर दूषित जल होने से भी हो रहा है। मिट्टी का कटाव अधिक होने से मुहाने पर अधिक मिट्टी जमा हो जाती है। नदियों के किनारे स्थापित कारखाने दूषित एवं विषैले रसायनों युक्त जल समुद्र में छोड़ते हैं, जिससे मछलियों के अंडे एवं उसके अंडे तथा छोटी मछलियां नष्ट हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो विश्व में मत्स्य उत्पादन जहां पूरे विश्व में फैला हुआ है, समुद्री क्षेत्रों से लेके नदियों के मुहाने तक, इसके अलावा कुछ मत्स्य उत्पादन क्षेत्र जो है नदियों के द्वारा भी पाया जाता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांशतः देश, जिसमें भारत भी शामिल है, कृत्रिम रूप से तालाबों और झीलों का निर्माण करके मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन में जो कुछ समस्याएं हैं, जिसमें जो सामान्य समस्याएं हैं जो आजकल हर जगह देखने को मिलती है, पर्यावरण प्रदूषण से समस्याएं, परिवहन से की समस्याएं, इस
समस्याओं को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो विश्व में मत्स्य उत्पादन पूर्व की भांति एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित लंबे समय तक स्थापित